ये शीरा आधा घंटा लेता है शीरा तैयार होने में, फुल में तैयार हो जाएगा भाई शीरा। छोटा साइज होता है इसके फालसा बोलते हैं। इससे बड़ा साइज कौन सा होता है? इससे बड़ा साइज ये भाई, ये वाला इससे बड़ा होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको पार्टी साइज बोलते हैं। इसको पार्टी साइज, पार्टी साइज। अच्छा, इसके क्या हो रहा है? ये गुलाब जामुन फ्राई हो रही है। फ्राई हो रही है जी भाई। कितनी देर लगती है फ्राई होने में? फ्राई हो रहे में 10-15 मिनट से लगते हैं। ये है पूरा लड्डू का हिसाब किताब। पता नहीं कितने मन भर लड्डू है ये। गुलाब जामुन है इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये यहाँ तो टन हो गए हिसाब से बनता है। क्या ये है? और ये डाल दिए अंदर। ये कितना वजन होगा अंदाजन भाई? होगा ये तैयार हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद और इसके बाद फिर ग्राहकों को दिया जाएगा। ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे और खरीदेंगे गुलाब जामुन और मजे करेंगे। वाओ, जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर। तो एक बार फिर हम मौजूद हैं लियाकताबाद की मिठाई गली में। जो त्यौहार होते हैं ईद, बकरीद, उसके अलावा 12 रबीउल अव्वल, तो यहाँ पर खुसूसी तौर पर काफ़ी बड़ी मिकदार में जो मिठाइयाँ हैं वो तैयार की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भी आते हैं और ख़ासकर त्यौहारों पर तो लोगों का रश होता है, इसलिए काफ़ी बड़ी मिकदार में यहाँ मिठाइयाँ तैयार होती हैं। तो इस वक्त भी यहाँ पर गुलाब जामुन तैयार की जा रही है। और उसके अलावा जो दीगर मिठाइयाँ हैं वो किस कीमत पर मिलती हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है। फरहान ये तो बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है? ये यहाँ पर भाई गुलाब जामुन की ढिलाई हो रही है। गुलाब जामुन यहाँ तैयार हो रही है? यहाँ पे तैयार होती है गुलाब जामुन। किस तरह तैयार होती है? गुलाब जामुन में डलते हैं भाई तेल डलता है और ये डलता है मैदा डलता है, सूजी डलती है, दूध डलता है और सोडा डलता है जी भाई। फिर उसके बाद ये उसके बाद मशीन में डलती है ये, फिर लोहियाँ काटती है मशीन, फिर कढ़ाई होती है मशीन प्लेट के साथ जी भाई। कितने साइज़ में बनती है ये भाई? 4 साइजों में बनती है। अच्छा, एक लंबा साइज होता है, एक गोल होता है, एक इससे छोटा होता है, एक बिल्कुल छोटा होता है जी भाई। यहाँ से बनने के बाद फिर ये नीचे जाती है भाई। अच्छा जी भाई, तो कितनी देर में तैयार हो जाती है इसका? ये तकरीबन आधा घंटे में तैयार हो जाती है। आधे घंटे में तैयार हो जाती जी। ये छोटे साइज वाली जी? जी फाल्स साइज है। ये 15 मिनट या आधा घंटा शीरे में रहेंगे। इसमें चीनी डाल रहे हैं, अब ये शीरा बनेगा। चीनी डाल लेंगे जी भाई। ये भाई ये चीनी की पूरी बोरी चली गई, दूसरी बोरी भी आ गई भाई चीनी की। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सफी। मोहम्मद सफी जी, क्या नाम रखा जबरदस्त। सफी साहब बताइए जरा अपने कारोबार के बारे में थोड़ा। सब आपके सामने ही कारोबार माशाल्लाह। क्या देख रहे हैं? हमारे पास गुलाब जामुन है, चमचम है, बर्फी है, पपीता है, मोतीचूर है, बेसन के लड्डू हैं, वो कलाकंद वगैरह हैं, मिल्की लड्डू वगैरह भी होते हैं। ये तमाम दादे यहीं तैयार होते हैं? सब टोटल यहीं पर तैयार होता है। यही कारखाना है? यही कारखाना है। एक और बात, लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है वो इतनी कम कीमत है, वजह क्या है? आप मार्केट में तो काफी महंगे हैं, यहाँ 400 रुपए किलो जामुन है। ये तो खिदमत है खल्क हो रही है भाई, सही मायने में पूछा जाए तो। बड़ी दुकान जाओगे वहाँ पे ज्यादा रेट है, तो अफोर्ड नहीं कर पाता आदमी। दुकानों पे तो 1600 रुपए किलो मिठाई। ये होलसेल है? होलसेल रेट है ये, होलसेल रेट है। यहाँ से सब लोग खरीद, यही से सब लोग लेके जाते हैं। क्या रेट है वैसे आपके पास? गुलाब जामुन 400 है, चमचम 450 है। और गुलाब जामुन है ये 400 रुपए है, ये चमचम पड़ी हुई है ठीक है, ये 450 रुपए है जी हाँ। और मलाई चाप है, मलाई चाप वो आगे क्रीम वाली जो रखी हो, आगे रखियो थोड़ा उलझा थोड़ा रखियो। ये मलाई चाप है, ये मलाई चाप कहलाती है। ये क्या हिसाब है? ये 450 रुपए। और ये वाइट चमचम? ये भी 450 है। ये भी 400 है। ये क्या है? लड्डू, बेसन लड्डू ठीक है ना, ये 550 है। और ये बर्फी 550 है। सही। ये कलाकंद है,
700 रुपए। अच्छा ये बताएंगे अभी जो है वो 12 रबी लेवल का सीजन है तो क्या आपके काम पे इसका असर होता है? जी जी बिल्कुल होता है। अभी आप अगर 12 रबी लोग आएंगे तो आप खुद देख लेना यहाँ पे। त्योहारों पे और क्या क्या होता है? त्योहारों में यही आइटम होते हैं, वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी जाती है इनकी। अच्छा तो सबसे ज़्यादा सेल क्या चीज़ होती है? गुलाब जामुन और चमचम। गुलाब जामुन और चमचम, वजह सस्ती पड़ती है दूसरी चीज़ों से। दूसरी गुलाब जामुन आपको जो आप कह रहे हैं एक किलो में कितने दाने आ जाते हैं? एक किलो में तकरीबन 45 से 50 दाने चढ़ते हैं। एक किलो में छोटे और से बड़े हैं वो 25 दाने चढ़ते हैं। 45 दाने आ जाते हैं? 45 दाने, 25 दाने, अलग अलग साइज होते हैं। हर किसी अलग डिमांड है, जर्दे की अलग होती है, पार्टियों में अलग होती है। ईद उल फितर लगा लें, ईद उल अज़हा लगा लें और 12 रबी अव्वल को, ये तीन त्यौहार होते हैं सबसे बेस्ट।